सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। हम लोगों को कल सूचना हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि भारत बंद कार्यक्रम किया जाए, तो हम लोगों ने ऊपर से आदेश आने पर कि तहसील हर जिले की तहसीलों पर जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं वो जाकर धरना प्रदर्शन करके शांति से अपना ज्ञापन दें, जिसमें नौजवानों की समस्याएं, बेरोजगारी उनको परेशान कर रही है कि बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान, शिक्षकों के लिए नौकरियां नहीं है, जहां एक तरफ शिक्षित लोग बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं, वहीं अखिलेश सरकार में जाने कितने नौजवानों को सरकार ने जो नौकरियां दी थी, वहीं इस सरकार में एक भी नौकरी पूरी नहीं हो पाई है। आवेदन आते हैं नौजवान, उसमें फॉर्म भरते हैं, हजारों रुपए खर्च करने के बाद वो भर्तियां रद्द कर दी जाती हैं। किसान भूखो मर रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं, देखने में मैं तो यहाँ आया, देखा रास्ते भर पूरा जो गन्ना ये अन्ना साड़ है, इनसे नौजवान से किसान से जो रागीर है इतना परेशान है, ऐसे छोटा जैसे आदमी की वैल्यू कम हो गई, जानवरों की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये सरकार हर फील्ड में, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे जो भी हो, हर चीज में वो फेल साबित हुई है। तो हम लोगों ने अभी SDM साहब तो नहीं मिले, लेकिन नायब तहसील साहब को ज्ञापन दिया है और अपनी मांग की है कि ऐसी सरकार को माननीय राज्यपाल जी बर्खास्त करें, जो हर चीज के लिए विरोध जताने का काम करवा रही है। जहां एक तरफ डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो गाड़ी तो दूर चलना, बाइक से लोगों को चलना दुर्लभ हो, या किसान कैसे खेतों में पानी लगाएगा जब डीजल महंगा इतना होगा तो खेती कैसे कर पाएगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।